हाँ बड़की भाभी, का हो रहा है? चाय बना रहा हूँ, अब चाय पी लिया। चाय बना रही हो? हाँ चाय बना। नहीं, चाय पीना तो मैंने छोड़ दिया है, चाय तो तुम भी मत पिया करो। आजकल देखो पूरे देश में कोरोना कितना फैला है, और अपने घर में ऐसी चीजें हैं जो औषधि के रूप में हैं, और इस शरीर के लिए फेफड़े से लेकर आंत तक, गले से लेकर आंत तक फायदा करने वाली बहुत गुणकारी चीज है, और वो सब तुम्हारे घर में होगा। या हल्दी वाला काढ़ा बनाओ, तुम्हारे पास सामान तो होगा सब घर में। काली मिर्च है, तुलसी मैया है, उनके पत्ते हैं, और सौंठ है, सौंठ हाँ सौंठ ना हो तो अदरक है, अदरक और थोड़ा सा नमक है ना, हाँ तो ये सारे, और गुड़ गुड़ भी है। हाँ तो देखो देखो सारी सरल चीज है ना, सब तुम्हारे घर में है, तो वो सब चीज ले आओ और फिर देखो बनाओ, फिर उसको पियो, हमको भी पिलाओ, देखो कितना अच्छा भी लगता है और सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। और ये तो तुम बैठा मैं लेके आओ था तो तुम ही पिया ही हो, फिर हम पिया। हाँ ठीक है, इसमें 2 कप पानी डालो। हाँ अब तक अदरक डाल दो। अभी आँच थोड़ा तेज कर दो, बाद में धीमी कर देना गुड़ डालने के लिए। हमारे देश में लोग पुरानी चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, इसीलिए रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की दी हुई चीजें हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा गुणकारी होती है ये हल्दी। हाँ हल्दी प्योर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी हल्दी हाथ की बनाई है। हाँ ये घर की हल्दी जैसी मिलने वहाँ से मंगानी चाहिए कि घर की तरह मिले। नमक डालो, नमक हाँ नमक डाल दो थोड़ा सा इसमें, नमक थोड़ा सा डालते हैं बस, ज़्यादा नहीं डालते हैं ताकि गले में सेंक लगती रहे। अब इसको अच्छी तरह इसको बारीक कर दो कूट के, बस 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 अब उसका रस आ जाएगा इसमें, अब उसको डाल दो। ये हल्दी जो है वो सेंकी हुई है ना, सेंकी हुई है ना, हाँ ठीक है। हल्दी को हमेशा सेंक लेने से उसका जो कड़वापन होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है और ज़्यादा असर करती है, इसलिए काढ़े में कच्ची हल्दी नहीं डाली जाती है, उसको थोड़ा सेंक लिया जाता है। अब हल्दी डाल दो, अब गुड़ ले आओ। हाँ हमारा जो मीठा गुड़ होता है ना ये शक्कर से बहुत फायदेमंद होता है, शक्कर जो सफ़ेद होती है ना वो बहुत नुकसान करती है, और आसान चीजें हैं सब घर में मिल जाती हैं। अब ये जब खोलते खोलते आधा बचेगा ना तो इसका पूरा रस जो है वो पानी में आ जाएगा, फिर इसको छान के और जितना धीरे धीरे चुस्की लेके पियोगी ना उतना अच्छा रहता है ये। हाँ बड़की भाभी, अब देखो ये अपना हल्दी काढ़ा तैयार हो गया। ये कौन सा काढ़ा है? हल्दी काढ़ा। अब छाना? हाँ अब इसको छान दो और फिर इसको बढ़िया गरम गरम धीरे धीरे चुस्की लगा के पियो। हाँ। और मुझे भी पिलाओ। धन्यवाद भड़की भाभी, ये है असली हमारी हिंदुस्तान की देसी काढ़ा।